अमेरिका के एक म्यूजियम में एक आम केले की करोड़ों रुपए में फरोख्त की खबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड क्या बनी। पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात भी मैदान में आ गई और ऐलान कर दिया कि वो भी आर्टिस्ट बनकर दीवार से करेला चिपकाएंगी, क्योंकि अगर दीवार से चिपका हुआ एक केला करोड़ों रुपए में बिक सकता है तो सोचें कि करेला कितने में बिकेगा। अदाकारा मेहविश हयात ने अपनी एक ट्वीट में एक केले के $1,20,000 में फरोख होने वाले मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि दरअसल इस मामले के बाद वो भी आर्टिस्ट बनने का सोच रही हैं। मेहविश हयात ने मुख्तसर ट्वीट में लिखा कि वो खुद भी आर्ट से मोहब्बत करती हैं, लेकिन आजकल जिन चीजों को आर्ट समझा जा रहा है वो इन बातों को समझने से कासिर हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए लिखा कि अमरीकी म्यूजियम में केले की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त के बाद वो आर्टिस्ट बनने का सोच रही है और वो टेप की मदद से दीवार पर केले को नहीं बल्कि करेले को लटकाएंगी। मेहविश हयात का कहना था कि जब टेप की मदद से दीवार पर चिपकाया गया केला $1,20,000 में फरोख्त हो सकता है तो सोचे करेला कितने में फरोख्त होगा, और यकीनन वो इससे अच्छी कीमत में फरोख्त होगा। याद रहे कि दो रोज कबल अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक आर्ट म्यूजियम में फरोख्त के लिए पेश किए गए केले को एक कॉमेडियन आर्टिस्ट खा गए थे और इस केले की मुमकिन कीमत $1,20,000 से $1,50,000 तक बताई जा रही थी। मुंतजमीन को उम्मीद थी कि आर्ट के म्यूजियम में फरोख के लिए पेश किया गया केला $1,50,000 यानी पाकिस्तानी $2,30,00,000 रुपए तक फरोख्त हो जाएगा, क्योंकि मस्कूरा केले से कबल इसी म्यूजियम में दो केले तकरीबन पाकिस्तानी $4,50,000 रुपए में फरोख्त हो चुके थे। आर्ट म्यूजियम में फरोख्त के लिए पेश किए गए तीनों केले इटली निजात अमरीकी आर्टिस्ट मोरेजियो कैटेलेन के थे, जिन्होंने कई साल तक सोचने के बाद इस तरह केलों को म्यूजियम में पेश किया। इटालियन निजात आर्टिस्ट ने फल फरोश से 3 ताज़ा केले खरीद कर उन्हें म्यूजियम की दीवार पर टेप से चिपका दिया था और उनकी कीमत $1,20,000 से $1,50,000 तक रखी थी और उनके दो केले हाथों हाथ फरोख्त हो गए थे। तहम तीसरे केले को फरोख्त होने से कबल ही अमरीकी कॉमेडियन डेविड डाउटा ने आर्ट म्यूजियम पहुँच कर खा लिया था। उन्होंने केले को खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी की थी और बाद अजा उन्होंने इस हरकत पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। केले को खाने वाले कॉमेडियन डेविड डाउटा का कहना था कि दरअसल उन्होंने केले को नहीं बल्कि इटालियन निजात आर्टिस्ट के ख्याल को खाया है, जो इंतहाई लजीज था। कॉमेडियन के मुताबिक जिस तरह इटालियन निजात ने कई माह तक ख्यालों में रहकर अजीम ख्याल को तख्लीक करके टेप की मदद से केले को दीवार पर चिपकाकर आर्ट पेश किया, इसी तरह उन्होंने भी आर्ट म्यूजियम पहुंचकर अपना फन इस्तेमाल करते हुए केले को खाया, इसलिए उन्हें अपने अमल पर माफी मांगने की जरूरत नहीं।